नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ये नीटिंग पैटर्न बनाएंगे। इस नीटिंग पैटर्न को आप लेडीज़ के, गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। कार्डिगन में डालिए, स्वेटर में डालिए, जैकेट में डालिए, बहुत सुंदर बनकर आता है। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट से ये ऐसा लगता है, और ये इसका बैक है, बैक से ये ऐसा लगे। और ये फ्रंट से ऐसा लगता है। इसे बनाने के लिए हमें 9 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जितने भी लेने हैं 9+9 ले लीजिए, उसके बाद +4, 9 के मल्टीपल में फंदे लेके +4 के बाद एस के स्टिच लेंगे तो ये हमारा पैटर्न सेट हो जाएगा। और एक बार का यहाँ से यहाँ तक 10 डोज का है, 10 डोज 10 डोज 10 डोज 10 डोज, 10 डोज में एक बार का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी मैंने 2x9 लिए हैं, 18+4 करें 22, और दो फंदे एस के लिए हैं, तो टोटल यहाँ पर मेरे पास ये 28 स्टिचेस हैं। आपको जो भी बॉर्डर बनाना है बना लीजिए। ये पैटर्न सीधी तरफ से शुरू होता है। एज ए स्टिच पहली सिलाई है तो बना के लूँगी। उसके बाद 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बनाए, 1 2 2 का एक करेंगे, 4 बनाए सीधे, 2 का एक करा, थ्रेड आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे। एज स्टिच के बाद 2 4 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 का एक करा, एक फंदा सीधा, 2 4 6 हो गए, थ्रेड आगे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे। ये 9 स्टिचेस हो गए, 2 4 6 7 8 9, यही 9 स्टिच हमें फिर से रिपीट करने हैं। 1 2 3 4, 2 का एक करेंगे, 5 हो जाएंगे, नेट 1, एक फंदा सीधा बनाया, थ्रेड आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बना लिए। आपके पास जितने भी फंदे हैं इसी तरह से आप नौ फंदों का ये पैटर्न बना लीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 फंदे सीधे, आखिर का फंदा है इसका, इसको हम सीधा बनाएंगे। पहली सिलाई हो गई है, दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। एक स्लिप करा, 2 4 6 और एक ये 7, 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड को घुमा के लेंगे और एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बनाया, अभी 2 का एक करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, यार्न ओवर, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ से हमने एज स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा बनाया। पैटर्न यहाँ से शुरू होता है, 2 4 6 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हमारा ये पैटर्न शुरू होता है। अब ये हमारे आखिर में 4 फंदे बचेंगे, 1 2 3 4, ये फंदे उल्टे बना लेंगे।
तीसरी सिलाई है सीधी सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक दो फंदे सीधे, एक दो दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे सीधे, फिर से करेंगे, एक दो दो को एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे सीधे। अभी हमारे तीन बचे हैं फंदे, इनको भी हम सीधा बना लेंगे, दो फंदे सीधे एज स्टिच है, इसको भी सीधा बना लेंगे। रो फोर, पहला फंदा स्लिप करने के बाद यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करा यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा। अभी दो फंदों को इकट्ठा बनाएंगे, पल टू टुगेदर, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छह फंदे उल्टे, दो चार छः आठ नौ, ये नौ फंदे हो गए, इनको फिर से रिपीट करेंगे, यार्न ओवर, पर्ल वन, पर्ल टू टुगेदर, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे बनाए, फिर यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर करने के बाद एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक बनाएंगे, पर्ल वन और ये आखिर का फंदा, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। फोर रो हो गई है, रो फिफ्थ, पहला फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ये देखिए ऐसे जा रही है ना, पहले ये दो फंदे एक साथ बनाएंगे, नीट टू टुगेदर, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छ, फंदा स्लिप करने के बाद ऐसे स्टिच के बाद ये दो चार छः आठ नौ, नौ फंदे हो गए, फिर से रिपीट करेंगे, दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, दो चार छः आठ नौ, दो चार छः आठ नौ हो गए, छः फंदे सीधे के बाद दो चार छः के बाद नीट टू टुगेदर, नीट वन यार्न ओवर, नीट वन और ये आखिर का फंदा है इसका, इसको हम सीधा बना लेंगे। पांच सिलाई हो गई, छठी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, उसको देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाएंगे, ये जो लाइन हमारी इधर जा रही थी, अब हमें इस साइड इसको हम पलटेंगे, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद ये दो फंदे ऐसे करेंगे,
इस सिलाई पर लेके इनको पलटेंगे, एक दो, दो करने के बाद ये बैक लूप से दो का एक करेंगे, दो फंदे पलट के बैक लूप से दो का एक करेंगे। उसके बाद एक उल्टा यार्न ओवर निट, सॉरी पल टू, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे नौ फंदे हो गए। इनको फिर से रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार, ये बीच में हमारे छह फंदे उल्टे हो जाएंगे, दो इधर के और चार इधर के। दो फंदों को पलटेंगे, बैक लूप से दो का एक करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे उल्टे, एज स्टिचेस को भी हम उल्टा बना लेंगे। रो सेवन, पहला फंदा स्लिप करने के बाद सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे सीधे हो गए, एक स्लिप करा एक सीधा, पैटर्न यहाँ से शुरू होगा, दो चार छः, छः के बाद यार्न ओवर निट वन, निट वन के बाद एस एस के दो फंदे स्लिप करेंगे और इनको बैक लूप से दो का एक करेंगे। अब ये लाइन हमारी इस साइड जाएंगी, पहले इस साइड गई थी, अब ये इस साइड जाएंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, दो फंदे पलटेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। यार्न ओवर निट वन, उसके बाद अभी हमारे तीन फंदे सीधे बच गए, एक दो तीन, आखिर का फंदा है इसका भी, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। सेवन रोज हो गई है, सात सिलाई हो गई, आठवीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ये दो फंदे ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से दोनों का एक बना लेंगे। एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे उल्टे, ये दो फंदे पलटेंगे, दो फंदों का बैक लूप से एक बनाएंगे। दो फंदों का बैक लूप से एक बनाया, उसके बाद एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः, ये दो फंदे बचे हैं, इनको भी हम उल्टा बना लेंगे और आखिर का फंदा है इसका, इसको भी हम उल्टा बना। आठ सिलाई हो गई, नौवीं सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद यार्न ओवर निट वन, निट वन के बाद दो फंदे पलटेंगे और दो का एक करेंगे। अब एक दो तीन चार
छः फंदे सीधे यार्न ओवर, नेट वन, एक फंदा सीधा, ये दो फंदों को पलटेंगे, दो से दो का बैक लूप से एक करेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे यार्न ओवर, यार्न ओवर के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये दो फंदे पलट कर दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा और आखिरी फंदा है इसका, इसको सीधा बना लेंगे। ये हमारी नाइन रोज हो गई है, नौ सिलाई हो गई, टेंथ रो है, दसवीं सिलाई है और एक बार पैटर्न की फाइनल रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है तो इसको हम ऐसे उतारेंगे, दो फंदे पलट कर दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः, ये नौ फंदे हो गए, फिर से करेंगे दो फंदे पलटेंगे, ऐसे पलट कर दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हो गए। फिर से ये जो दो फंदे इनको पलटेंगे, दो का बैक लूप से ऐसे करके एक करेंगे, पर्ल वन यार्न ओवर, पर्ल वन उल्टा बनाएंगे और आखिर का फंदा है इसका, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 10 डोज हो गई और एक बार का ये पैटर्न देखिए बनकर आ गया। यही 10 डोज हमें बार बार रिपीट करनी है, जब ये रिपीट करेंगे तो ये बहुत सुंदर सा पैटर्न बनकर आता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।